आपके यूवियल ट्रैक के अंदर सबसे पहला जो यू क्यू आया हुआ है और मतलब बनता है वो है यूवियाइटिस के बारे में क्लासिफिकेशन। यूवियाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द यूवियल ट्रैक। अब यूवियल ट्रैक में तो आरएस भी आता है, इसके अलावा कोरोइड भी आता है, सिली बॉडी भी आती है, ठीक है। तो इसके हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे? क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले करेंगे कि इसकी एनाटॉमिकल की बेस पे, मतलब एनाटॉमी का मतलब ये है कि वो एंटीरियर है, वो मिडल है, वो पोस्टीरियर है, ठीक है। तो एनाटॉमिकल बेस पे करेंगे, क्लिनिकल बेस पे करेंगे, ठीक है, उसके बाद पैथोलॉजिकल बेस पे करेंगे या फिर हिस्टोलॉजिकल के बेस पे करेंगे या फिर इटोलॉजिकल बेस पे करेंगे। सो अगर हम बात करें एनाटॉमी के बेस पे, तो एनाटॉमी में डिवाइड किया हुआ है इसको एंटीरियर यूवेटस में, मतलब एंटीरियर में क्या आएगा, ये आरएस सपोज करें, ठीक है, आरएस के पीछे जो होगी सिली बॉडी यहाँ तक आ रही है, तो ये आरएस का इन्फ्लेमेशन होगा तो हम कहेंगे आरआइटिस, और आइड्रोसेक्लाइटिस हम कहेंगे जब आरएस का भी होगा साथ सिली बॉडी का भी होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है एंटीरियर सेक्लाइटिस का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सिली बॉडी के एंटीरियर पार्ट का जो है ना वो इन्फ्लेमेशन हो जाना। उसके बाद है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि जो दरमियान में स्ट्रक्चर आएंगे वो कौन से आएंगे, उसमें आएगा पोस्टीरियर सेक्लाइटिस, मतलब ये जो है ये आरएस है तो आरएस का ये पोस्टीरियर पार्ट इसके इन्फ्लेमेशन हो जाना, या फिर अगर हम बात करें पार्स प्लेना तो पीछे क्या होता है पार्स प्लेना का हो जाना, या उसके बाद हाइलाइटस मतलब हाइलाइट मेम्ब्रेन का भी इसके अंदर आ सकता है, और उसके पीछे क्या पड़ी होती है कोरोइड, तो कोरोइड और कोरोइड के साथ क्या होता है रेटना, तो रेटना का भी हो सकता है। उसके बाद जो थर्ड इसमें आती है वो होती है पोस्टीरियर यूवेटा, पोस्टीरियर में क्या आएगा, पोस्टीरियर में कोरोइड होगा तो कोरोइड का इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोरोइड के साथ रेटना का भी हो सकता है, और पैन यूवेटस मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो यूवियल ट्रैक है उस सब का इन्फ्लेमेशन हो जाना। उसके बाद हम क्लिनिकल बेस पे अगर हम देखें तो अक्यूट यूवेटस हो सकता है, ठीक है। अक्यूट यूवेटस में कौन सा होता है कि इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है वो सडन होती है, सडन इन ऑनसेट होती है, और तकरीबन 3 वीक्स तक रहे, अगर 3 वीक्स के अंदर डेवलप कर जाए इसके सिम्टम्स, इसे हम कहते हैं अक्यूट। तो अक्यूट यूवेटस जो होता है, अक्यूट एंटीरियर यूवेटस जो होता है वो हमारा यूक्यू है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोनिक, तो क्रोनिक कब होता है कि इसमें जो ऑनसेट होता है वो इंसीडियस होता है, लेकिन ये 3 वीक्स से ज़्यादा देर तक रह सकता है, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े लेट प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रिकरेंट होता है, रिकरेंट पता है आपको कि बार बार अगर कोई पीरियडिकली अपेयर हो यूवेटस जो कि सिस्टेमिक डिजीज से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन दी हुई है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोलॉजी या फिर पैथोलॉजिकल बेसिस पे, उसमें कौन सा होता है नॉन ग्रेनुलोमेटस होता है या फिर ग्रेनुलोमेटस होता है। अब जो नॉन ग्रेनुलोमेटस होता है वो मेनली एक्सुडेटिव होता है, और उसमें मेनली लिम्फोसाइट्स या पॉलीमॉर्फ या प्लाज्मा सेल्स वगैरह आ सकते हैं, लेकिन जो ग्रेनुलोमेटस होता है उसमें मेनली क्या होते हैं लिम्फोसाइट्स होते हैं, एपिथेलियल सेल होंगे, जॉइंट सेल्स होंगे, ठीक है, मटन फैट क्रिएटिन प्रेसिपिटेट्स वगैरह भी होंगे, वो फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। लेकिन आप ये बात याद रख लें कि ग्रेनुलोमेटस जो होता है इसमें क्या बनते हैं ग्रेनुलोमा बनता है जिसमें जॉइंट सेल होते हैं। उसके बाद अगर इटोलॉजी की बेस पर अगर हम करें तो ये इन्फेक्टिव हो सकता है, मतलब कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह अटैक कर दे, एलर्जिक हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, ट्रोमेटिक हो सकता है, इसके अलावा यूवेटिस एसोसिएटेड होता है कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ के साथ, वो हम इटोलॉजी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हो सकता है, और या फिर एडियोपैथिक भी हो सकता है ये, और ऑटोइम्यून भी हो सकता है। सो ये आपकी क्लासिफिकेशन है, आपने इसको एज सच याद करना है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी इटोलॉजी क्या होती है, कि इसकी यूवेटिस की इटोलॉजी क्या क्या होती है। सो इसकी इटोलॉजी होती है एक इन्फेक्टिव और एक होती है नॉन इन्फेक्टिव। अगर हम बात करें इन्फेक्शन की कि इन्फेक्टिव कौन कौन सी होती है, तो इन्फेक्शन कहाँ से आ सकते हैं, वो बाहर से आ सकते हैं, मतलब एक्सोजिनस वो अंदर एंट्री कर सकते हैं, वो किसके थ्रू एंट्री करेंगे, कोई इंजरी हो जाए या फिर कोई सर्जरीज हो जैसे कैटरक्ट सर्जरी होती है उसके बाद वो एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा एंडोजिनस की अगर हम बात करें कि पहले से ही बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे टीबी हो गया, सिफिलिस हो गया, या कोई वायरल के इन्फेक्शन जैसे हर्पीज हो गया, फंगस का कोई इन्फेक्शन जैसे कैंडिडा हो गया, या फिर पैरासाइट का इन्फेक्शन है, या फिर प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन, जो कि प्रोटोजोआ मेनली कौन सा होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, ये अगर बॉडी के अंदर है तो ये आई में एंट्री कर सकते हैं और यूवेटस कास्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्टिव की, नॉन इन्फेक्टिव में क्या आते हैं कि सेकेंडरी कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे टॉक्सिन्स हो गए, जैसे केमिकल्स हो गया, इनकी वजह से जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटोइम्यून की, ऑटोइम्यून की अगर हम बात करें इसमें तो मेनली इसमें कौन कौन से आएंगे कि ओक्यूलर कंडीशंस, पहले से ही कोई ओक्यूलर कंडीशंस हैं, जैसा कि हम बात करें फैको एंटीजेनिक यूवेटस हमने बात की थी कि लेंस प्रोटीन्स अगर रिलीज होती हैं तो वो आरएस का भी इन्फ्लेमेशन करवा देंगे, यूवियल ट्रैक का भी करवा देंगे, तो वो एक ओक्यूलर कॉज है। इसके अलावा सिंपथेटिक भी एक कॉज होती है, सिंपथेटिक ऑफ्थेल्माइटिस कहते हैं उसको, उसकी वजह से भी जो है ना वो आरएस की जो इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सिस्टेमिक अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, और आपके एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से होते हैं, एंड जैसे हम डिजीज की बात करें तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस,
सोरियोटिक आर्थराइटिस, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, ठीक है। इसके अलावा जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, बेसियर डिजीज हो सकती है, और सर्कोइडोसिस और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है। आपकी बुक में लिखी हुई है सारी की सारी जो तोई में आप वहाँ से कर लें। इसके अलावा जो है इडियोपैथिक कॉज भी हो सकती हैं। इडियोपैथिक में जो मेनली आती है वो अक्यूट एरिडोसाइक्लाइटिस भी हो सकता है, फुक्स एरिडोसाइक्लाइटिस भी हो सकता है, और ग्लॉकोमेटस भी इसके अंदर हो सकती है। सो ये आपकी टियोलॉजी थी, आप जस्ट एक दफ़ा रीड करनी है इसको।